गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कुछ तैसा, पहले लेसन देख लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए। लेसन 6, जैसे कुछ तैसा। ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े निर्भीक और स्वतंत्र विचार के पुरुष थे। बड़े बड़े अफसरों से भी वे डरते ना थे। कलकत्ते के हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज साहब थे। वे हिंदुस्तानियों से घृणा करते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे। एक बार किसी कारणवश विद्यासागर उनसे मिलने गए। प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। उनके दोनों पैर टेबल पर फैले हुए थे। साहब को उसी दशा में विद्यासागर को साहब ने उसी दशा में विद्यासागर को अंदर बुला लिया और उनसे बातें की। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी। विद्यासागर को उनका व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी बात पूरी करके वे घर चले आए। कुछ दिनों के पश्चात प्रिंसिपल साहब को कुछ जरूरी काम से विद्यासागर के घर जाना पड़ा। जब विद्यासागर को मालूम हुआ कि प्रिंसिपल साहब उनसे मिलने आए हैं, तब उन्होंने सोचा, पिछली बार प्रिंसिपल साहब ने मेरा अपमान किया था, आज उसका बदला लेना चाहिए। बस वे भी एक टेबल पर अपने पैर फैलाकर बैठ गए। एक सिगरेट जलाकर उन्होंने अपने हाथ में रख ली। प्रिंसिपल साहब के बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं रखी। विद्यासागर को टेबल पर पैर फैलाकर बैठे हुए देखा तो साहब यानी प्रिंसिपल साहब आग बबूला हो गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। घर पहुंचकर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर दी। उसने लिखा कि विद्यासागर बड़ा घमंडी आदमी है, उसे तौर तरीके कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा अपमान किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। अंत में शिकायत गवर्नर साहब तक पहुंची। गवर्नर ने विद्यासागर से सफाई मांगी। उत्तर में विद्यासागर ने लिखा, महाशय, हम काले लोग हैं, गोरे लोगों की सभ्यता से परिचित नहीं है। कुछ दिन पूर्व मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने उनके घर गया था, तब उन्होंने इसी प्रकार स्वागत किया था। मैंने समझा अंग्रेजों के यहाँ बड़े लोगों का स्वागत करने का यह बढ़िया तरीका है, इसलिए प्रिंसिपल साहब के स्वागत में मैंने उन्हीं की नकल की थी। यदि हम इसमें कोई भूल हुई है तो दोष मेरा नहीं, दोष प्रिंसिपल साहब का ही है। भले आदमियों के स्वागत का यह नया तरीका मैंने उनसे ही सीखा था। इस सफाई को पढ़कर गवर्नर साहब खूब हंसे। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बुलाकर बहुत डांटा डपटा और कहा कि तुम जाकर विद्यासागर से क्षमा मांगो। प्रिंसिपल साहब ने जाकर विद्यासागर से क्षमा मांगी। उस दिन से दोनों मित्र बन गए। ये पाठ है। तो अब आप लोग पहले तारीख लिखेंगे 3/4/21। हाँ, विषय ये पाठ 6, जैसे को तैसा। अब मैंने यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं। पहले शब्दार्थ आप लिखेंगे, निर्भीक, निडर, तुच्छ, नीच या छोटा, तौर तरीके, रंग ढंग, नकल करना, अनुसरण करना, भूल गलती, आग बबूला होना, ये मुहावरा है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है, आग बबूला होना, बहुत गुस्से में आना। उसके बाद प्रश्न उत्तर आते हैं। बच्चों, प्रश्न उत्तर मैंने 3 लिखे हैं, 2 मैं आपको पुस्तक में बता दूंगी, पुस्तक से आप देख करके लिख लीजिएगा। हाँ, विलोम शब्द भी मैं बता दूंगी और यहाँ पर नीचे संबंध सूचक वाक्य किसे कहते हैं वो बताऊंगी, उसको भी देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यासागर जी कैसे पुरुष थे। प्रश्न मैंने आंसर लिखे हैं, प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक से पहले प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। फर्स्ट आंसर लिखने के बाद फिर सेकंड को प्रश्न उतारेंगे, तब सेकंड प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यासागर जी कैसे पुरुष थे। विद्यासागर जी बड़े निर्भीक और स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है। सेकंड है,
कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे व्यक्ति थे? कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, वे हिंदुस्तानियों से घृणा करते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रिंसिपल साहब ने विद्यासागर के साथ कैसा व्यवहार किया? एक बार किसी कार्यवश विद्यासागर जी प्रिंसिपल साहब से मिलने उनके कमरे में गए तो उन्होंने अपने दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे तथा उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी थी। ये तीन प्रश्न है, इस तरह उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह लिखेंगे, इस तरह उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये प्रश्न है, ये थर्ड प्रश्न का है। हाँ, फिर फोर्थ प्रश्न है, विद्यासागर ने प्रिंसिपल साहब से अपना बदला कैसे लिया? इस प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, कुछ दिनों के पश्चात प्रिंसिपल साहब को कुछ जरूरी काम से विद्यासागर के घर जाना पड़ा। विद्यासागर जी ने सोचा कि पिछली बार प्रिंसिपल साहब मैंने मेरा अपमान किया था, आज उसका बदला लेना चाहिए। वे भी एक टेबल पर अपने पैर फैला कर बैठ गए। एक सिगरेट जलाकर उन्होंने अपने हाथ में रख ली और प्रिंसिपल साहब के बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं रखी। ये है, हाँ, फिर से देखिए, कुछ दिनों के पश्चात प्रिंसिपल साहब को कुछ जरूरी काम से विद्यासागर के घर जाना पड़ा। हाँ, विद्यासागर को जब मालूम हुआ कि प्रिंसिपल साहब उनसे मिलने आए हैं तो उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि ये उनका बदला लेने उन्हें बदला लेना चाहिए। वे भी एक टेबल पर पैर फैला कर बैठ गए। एक सिगरेट जलाकर उन्होंने अपने हाथ में रख ली और प्रिंसिपल साहब के बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं रखी। फिर लास्ट प्रश्न है, अपनी सफाई में विद्यासागर ने क्या लिखा? अपने ये यह प्रश्न है बहुत बड़ा है, यानी यहाँ से लेकर के महाशय, अपनी सफाई में विद्यासागर ने लिखा, यहाँ से उत्तर में विद्यासागर ने लिखा, महाशय यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीखा था, यहाँ तक आपको पूरा बुक में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, वैसे ही आपने कॉपी करना है। तो ये प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में विद्यासागर लिखा, महाशय हम काले लोग हैं, गोरे लोगों की सभ्यता से परिचित नहीं है। कुछ दिन पूर्व मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने उनके घर गया था, तब उन्होंने इसी प्रकार स्वागत किया था। मैंने समझा अंग्रेजों के यहाँ भले लोगों का स्वागत करने का ये बढ़िया तरीका है, इसलिए प्रिंसिपल साहब के स्वागत में मैंने उन्हीं की नकल की थी। यदि इसमें कोई भूल हुई है तो दोष मेरा नहीं, दोष प्रिंसिपल साहब का ही है। भले आदमियों के स्वागत का यह नया तरीका मैंने उनसे ही सीखा था। तो ये आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, पूरा इतना बड़ा। फिर उसके बाद विलोम शब्द देखिए, निर्भीक कायर, निर्भीक का विलोम शब्द कायर, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, अफसर का विलोम नौकर, क्रोध शांत, सभ्यता असभ्यता। और उसके बाद आपने संबंध सूचक वाक्य की परिभाषा लिखनी है। ये प्रश्न उत्तर लिखने के बाद दूसरे पेज से व्याकरण हेडिंग डाल करके आप पहले परिभाषा लिखेंगे, जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न उत्तर लिखने के बाद दूसरे पेज से व्याकरण हेडिंग डाल करके आप पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे 1, 2, 3, 4 उदाहरण है ये आप लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप आपके स्कूल में पूछ लेना, ठीक है? धन्यवाद।